नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं कीर्ति सिंह। पिछले एक साल में कोरोना संक्रमण ने पूरे देश दुनिया को तबाह करके रखा गया था। कोरोना संक्रमण के जो लहर चली थी, पहली और दूसरी लहर ने देश के तमाम राज्यों में तांडव मचाकर रखा हुआ था। पहली लहर में तो भी कम केसेस देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पूरे राज्य और देश को प्रभावित किया, इसमें कई लोगों की जान भी चली गई। इस संक्रमण ने ऐसा तांडव मचाया कि हर किसी के घर में, हर किसी के परिवार को इससे प्रभावित होना पड़ा। यही वजह रही कि पिछले एक साल में आधे महीने तो लॉकडाउन में गुजारने पड़े। जिस तरह से कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर तेजी से फैली, इसे ध्यान में रखते हुए सिर्फ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन ही एक उपाय देखा गया था। हालांकि अब कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर आई थी, उसमें काफी गिरावट आई है और कई राज्यों में काफी कम केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण अब सभी राज्यों में लॉकडाउन हटा दिए गए हैं और पहले की तरह ही लोग अपने निजी काम के लिए वापस बाहर निकलने लगे हैं। पहले की तरह ही लोग अब बाहर निकलते हैं, मार्केटिंग करते हैं और घूम भी रहे हैं। लेकिन एक और बात सामने आ रही है कि सितंबर में आ सकती है कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर। जी हाँ, नीति आयोग ने ये बात जारी किया है कि इस साल सितंबर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है। और इतना ही नहीं, एक खतरनाक आंकड़ा भी जताया जा रहा है कि सितंबर महीने में प्रतिदिन 4 से 5 लाख केसेस सामने आ सकते हैं। ऐसे में नीति आयोग ने केंद्र सरकार को चेताया भी है कि अभी से ही सारी चीजों की एक लिस्ट बनाई जाए और जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसे लेकर काम करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी अगस्त का महीना चल रहा है, हालांकि अभी कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नीति आयोग ने बताया कि सितंबर महीने तक फिर से कोरोना का तांडव शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार बताया जा रहा है कि अगर 100 केसेस कोरोना के होंगे तो उसमें से 23 केसेस जो सामने आएंगे वो काफी सीरियस केस होंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान करानी होगी। ऐसे में जिस तरह से पिछले बार देखा गया था कि कई लोगों की जान केवल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की वजह से चली गई, इसीलिए इस बार नीति आयोग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर पहले से सरकार के द्वारा तैयारी कर ली जाए तो शायद लोगों को जल्द से जल्द सुविधा प्रदान की जाएगी। नीति आयोग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि पूरे देश को बदतर हालत का सामना करने के लिए अभी से ही तैयार होने चाहिए। ऐसे में ये भी कहा गया है कि मेडिकल सुविधाओं को लेकर पूरे देश में कम से कम 15 लाख बेड यानी कि 15 लाख आईसीयू बेड और साथ ही 2 लाख वेंटिलेटर के साथ वाले बेड और कहा है कि इसके साथ ही 10 लाख कोविड सेंटर तैयार करने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में स्थिति और भी बदतर हो सकती है। संक्रमण के दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि इससे ही आप और हमारी सुरक्षा होगी। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया।